अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सद्दुक जाफ़र। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 के डेफिनेशन और इसके ऑर्डर रो, और ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने डिस्कस कर लिया था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर। यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा रिपीट करने लगा हूं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, कि आप कुछ एलिमेंट्स लें, उनको ब्रैकेट में बंद कर दें, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बंद कर दें, तो वो आपके पास कहलाता है मैट्रिक्स। उसके बाद हमने बात की थी कि रो क्या होती है। किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस की तादाद होती है उनको हम रोज बोलते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस की तादाद होती है वो मैट्रिक्स के कॉलम कहलाते हैं। इसके बाद हमने ऑर्डर देखा था कि ऑर्डर क्या होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज की तादाद हो उनको कॉलम की तादाद से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, और ऑर्डर को हम एम ज़रब एन से डिनोट करते हैं। ऑर्डर को हम एम ज़रब एन से, एम यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज और एन हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स शो करता है। उसके बाद हमने देखा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कितार हो, एक रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स, इसकी एग्जाम्पल अगर रो मैट्रिक्स की देखनी हो तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, जैसा कि एग्जांपल देखें तो 1, 7 और 9। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने डिस्कस किया था। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम हो, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम हो। जैसा कि ये देखें एग्जांपल, हमारे पास 2, 1, 7, 2, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज हैं वो भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम्स सेम ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमारे पास जैसा कि देखें, इसको हमारे पास 1, 7, 2, 4, 5 और 9, इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम सेम नहीं है, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स से। ये डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है ये हम देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या उसने कहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की जब भी बात करेंगे तो ये लफ्ज हमें साथ मेंशन करना पड़ेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, अब यहाँ पे लफ्ज यूज़ हो रहा है प्रिंसिपल डायगोनल का, तो ये देखते हैं क्या होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये वाले एलिमेंट्स है ये हमारे पास कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें भी हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट है ये कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें इसका एक और भी नाम है, इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल या फिर मेन डायगोनल। मेन डायगोनल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं डायगोनल, मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। ये वाला भी हमारे पास मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। वो कहता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि इस मैट्रिक्स में ये वाले जो हमारे पास डायगोनल है, इसमें मेन डायगोनल है, इस पर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद है, लेकिन इसके अलावा ये वाले जो एलिमेंट हैं और ये वाले जो एलिमेंट हैं ये सारे हमारे पास क्या है, जीरो हैं। ये इसके लिए हमारे पास लाजमी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि उसमें जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सारे डायगोनल के अलावा जीरो होने चाहिए। जैसा कि इस मैट्रिक्स में भी आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ये एक एलिमेंट पड़ा है और एक एलिमेंट ये हमारे पास जीरो है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी कि ये जो हमारे पास मेन डायगोनल में एलिमेंट है ये सारे के सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। इनमें से कोई से हमारे पास, अगर ये 3 एलिमेंट है इनमें से कम जो 2 हैं वो हमारे पास जीरो हो सकते हैं, तीसरा एलिमेंट हमारे पास जीरो नहीं हो सकता। इसके लिए ये हमारे पास लाजमी कंडीशन है कि इसमें ये जो 3 एलिमेंट, 3 में से हमारे पास 2 हो सकते हैं जीरो, तीनों के तीनों हमारे पास जीरो नहीं हो सकते। जैसा कि इसमें 2 हैं तो 2 में से हमारे पास एक जीरो हो सकता है, एक हमारे पास जीरो नहीं होगा।
अब नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केयर मैट्रिक्स इन विच, अब स्केलर की बात कर रहे हैं तब भी हमने लफ्ज़ यूज़ किया है स्केयर मैट्रिक्स का, कि अ स्केयर मैट्रिक्स इन विच ऑल प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स आर सेम एंड ऑल ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो, यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, जीरो कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स के अलावा जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे और जो प्रिंसिपल डायगनल पे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, वो एक जैसे होंगे। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें अब ये मेरे पास मेन डायगनल है, ये डायगनल के अलावा जीरो जीरो है। अब ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना ऑल ऑफ डायगनल एलिमेंट, ऑफ डायगनल का मतलब है कि जो डायगनल के अलावा मेन डायगनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं, जीरो होने चाहिए। अब इस एग्जांपल में देखें जो मेन डायगनल है इसमें हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट पड़े हुए हैं और वो एलिमेंट स्केलर के लिए हमारे पास कंडीशन है सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए हमारे पास। पहली बात हो गई कि ये सारे जीरो हो गए और ये हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे ये देखें ये हमारे पास क्या आ गए, जीरो सारे, ये वाले भी सारे हमारे पास ऑफ डायगनल एलिमेंट्स हैं ये जीरो, और ये जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, सारे कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद। और वो एलिमेंट्स में एक खास कंडीशन है कि वो हमारे पास स्केलर हैं, वो हमारे पास सेम है, इसको हम बोलेंगे माइनस सेवन स्केलर, इसको हम बोलेंगे टू स्केलर। टू हमारे पास मौजूद था तो टू हमने लिख दिया टू स्केलर, इसमें हमने माइनस सेवन स्केलर इसको कह दिया। जो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होगा उसको हम कहेंगे कि ये टू स्केलर है, अगर थ्री मौजूद है तो कहेंगे थ्री स्केलर है, जैसे इसको हमने कहा है कि ये माइनस सेवन स्केलर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ स्केयर मैट्रिक्स इन विच ऑल प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स आर वन एंड ऑल ऑफ डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमने कहा है कि वो हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए, अ स्केयर मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स वो हमारे पास क्या होंगे, वन होंगे, और जो प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स के अलावा होंगे वो बाकी सारे जीरो। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगनल है या फिर मेन डायगनल, इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट दो थे वो हमारे पास क्या है, जीरो। इसी तरह ये वाला हमारे पास जो है ये हमारे पास मेन डायगनल है, इसमें बाकी एलिमेंट जो है वो सारे के सारे जीरो हैं, इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसको एक इसका और भी नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, एक अदर नेम है वो हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है वन, तो इसको हम वन यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास टू क्रॉस टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई टू से भी नोट करते हैं, आई से आइडेंटिटी और टू से मतलब है कि टू क्रॉस टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई थ्री से भी नोट करते हैं, अगर कहीं पे लिखा हो आई थ्री तो इसका मतलब होगा कि ये थ्री क्रॉस थ्री का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होंगे, जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो वन वन होंगे। नेक्स्ट है अब हमारे पास नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हो जाएं, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें हमने स्केलर की बात नहीं की कि ये स्केलर है या रेक्टेंगुलर है, ये दोनों हो सकते हैं, ये स्केयर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ये हम एग्जांपल में इसको देख लेते हैं मज़ीद। ये देखें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो, तो ये हमारे पास कंडीशन फिलफुल कर रहा है, तो इसमें लाजमी नहीं है कि वो स्केलर हो या वो स्केयर हो या फिर रेक्टेंगुलर, ये स्केयर मैट्रिक्स है, ये सारे एलिमेंट जीरो है तो हमने इसको कह दिया जीरो जीरो। अगर इस एलिमेंट में हमारे पास देखें मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसको हमने बोला कि ये भी हमारे पास क्या है, एग्जांपल है नल मैट्रिक्स की। अब नल मैट्रिक्स का एक और भी नाम है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होते हैं। अब ये बात इधर से एक माइंड में रख लें कि हमने डायगनल मैट्रिक्स की जब बात की थी हमने कहा था कि इसमें जो तमाम के तमाम एलिमेंट होंगे डायगनल, अगर तीन है एलिमेंट उनमें से जो दो हैं वो हमारे पास नॉन जीरो होंगे, वो जीरो नहीं होंगे। दो जीरो हो सकते हैं, टू जीरो हो सकते हैं, टू हमारे पास उसमें क्या हो सकते हैं, जीरो। तीसरा जो है ना वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सारे के सारे तीनों डायगनल भी अगर इसके जीरो हो जाते हैं तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसा कि इस मैट्रिक्स में भी देखें इसमें दो हैं, अगर एक तो जीरो हो गया, अगर हम दूसरा जो है इसको भी जीरो कर देते हैं तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम कहेंगे सेम ऑर्डर के, अगर
टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका सेम ऑर्डर है उनको हम कहेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है, इफ अगर इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो दोनों हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें इक्वल मैट्रिक्स को देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, दो चीज़ों का हमें अगर पता होगा तब हम इसको कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स। इसमें से पहली चीज़ क्या है कि वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे कि यह ये बात लिखी हुई है, ये इसकी कंडीशन है, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर हम दो मैट्रिक्स को चेक करना चाह रहे हैं कि वो इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं, तो हमें सबसे पहले उसका ऑर्डर देखना होगा। अगर उसका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वाली हमारी जो कंडीशन है वो है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है, ये हमारे पास अगर इधर पहली एंट्री टू है तो इधर भी हमारे पास टू होना चाहिए, अगर हमारे पास इधर थ्री है तो इधर थ्री, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, जो एलिमेंट इधर देखेंगे वही एलिमेंट इधर देखेंगे, अगर इधर हमारे पास टू है तो इधर भी टू होना चाहिए, इधर थ्री है तो इधर भी थ्री। जैसा कि इस मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सारी सेम है तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज में हमारे पास ये आता है कि दो मैट्रिक्स हमें दिए जाते हैं, बताया नीचे कहा जाता है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, या इसके क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का अगर हमने, ये हमारे पास ऑपरेशन है मैट्रिक्स पे, हम जो ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन है ये हमारे पास ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, ऑन अ मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स पे, क्या हम जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कर सकते हैं, जो हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसमें ये एक ऑपरेशन है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम जरब एन, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास एम जरब एन हो, देन एन एन जरब एन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। पहले हम इतना तक समझ लेते हैं मैट्रिक्स, वो कहता है कि ए हमारे पास मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हमारे पास एम जरब एन हो, एम से जरब एन से मुराद है कि उसका हमारे पास जो ऑर्डर हो उसको हम एम जरब एन से हो, जैसे इस मैट्रिक्स में हमारे पास इसका ऑर्डर है टू मल्टी थ्री मल्टीप्लाई बाय टू। वो कहता है कि देन एन एन जरब एन जो उसका उल्ट होगा, टू जरब थ्री मैट्रिक्स होगा हमारे पास, जो टू जरब थ्री मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन होगा जिसमें दो रोज होंगे और तीन कॉलम होंगे, वो हमारे पास कैसे ऑब्टेंड होगा, उसकी जो रोज और कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर दें, वो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे ये देखें, ये हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाई टू का एक मैट्रिक्स था, अब हमने क्या काम किया है कि इसकी जो पहली रो थी, पहली ये वाली रो, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये देखें, ये हमारे पास वन माइनस फोर रो था तो हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये टू फोर ये भी रो है हमारे पास, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये फाइव थ्री ये हमारे पास रो है, हमने इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब जो नया मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर है हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाय थ्री। ये हमारे पास ट्रांसपोज है कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक ज़रूरी चीज़ इसमें जो है याद रखने वाली, जो नया मैट्रिक्स आता है वो उसका जो ऑर्डर होता है वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर का इक्वल होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस की हैं डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस की हैं, ये पहले वाली डेफिनेशंस हम पहले लेक्चर में कर चुके थे, आज हमने स्टार्ट किए हैं डायगनल वाले डायगनल मैट्रिक्स से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट की हैं, और हमने एक चीज़ इसमें जो मज़ीद इंक्लूड की है वो हमने इसमें इंक्लूड की है ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, वो हमारे पास हमने पहला ऑपरेशन इसका डिस्कस किया है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं।